us understand it. This is not power of your creation. Is this the power of a god? हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे पहले भी बहुत से मैसेज आ चुके हैं कि पबजी के कैरेक्टर को फोन कैसे लगाए, तो फिर वही बताऊंगा मैं इस वीडियो में। पूरा जो है मिक्सामो के बारे में ही बताऊंगा, बाकी ब्लेंडर के बारे में चाहे वो का ट्यूटोरियल तो बता देना कि ब्लेंडर से कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं अभी जो है पूरा जो है मिक्सामो का ही करने वाला है, इसमें इतना बड़ा जो मिक्सामो नहीं। तो फिर बहुत से बंदे बोलते हैं कि तुम्हारे मॉडल में जो है प्रॉब्लम है, मिक्सामो में अपलोड नहीं होते, मॉडल की प्रॉब्लम नहीं रहती हो, मिक्सामो में जो है टी पोज दिखाया हुआ है तो वहाँ पर जो मॉडल जैसे बताया हुआ है वैसे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपलोड करने में। लेकिन जो मॉडल है जो अलग अलग रहती है कपड़े वगैरह, तो फिर वह अपलोड नहीं होता। फिर वही मैं बताऊंगा अपलोड कैसे कर सकते। बाकी आप पर दिखाया है एक पी एक्स ओ पी जे और जिप फाइल जो रहती है उसको अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये सबसे पहले जो है मैं ये एक मैंने निकाला हुआ है कैप्टन अमेरिका का है मॉडल, तो फिर इसके बारे में बता देता हूँ क्योंकि बहुत से मॉडल जो ऐसे रहते हैं जो कि ऑलरेडी पोज जो है किसी ना किसी पोज में रहते हैं, जैसे ये वाला है। तो फिर इसको आप लोग मिक्सामो में अपलोड करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो वही बताऊंगा मैं। बाकी आप ये लोग देख सकते हो कि ये जो है टी पोज में नहीं है, और अब आप लोग ऐसे लगाने जाओगे तो बराबर जो है बैठ नहीं रहा, ठीक है, टिक मार्क ये। तो फिर यहाँ पर जो है टिक मार्क किया हुआ है इसको जो है निकालना पड़ेगा, तभी जो है आप लोग लगा सकते हो। सिंगल सिंगल जो मार्क करने गए थे उसको हिला सकते हैं पॉइंट। तो इस टिक मार्क को निकाल दिया है और देख सकते हो मैं सिंगल जो पॉइंट है उसको हिला पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है कोई सा भी मॉडल अपलोड कर सकते हो कैरेक्टर का। बाकी जैसे फेस वगैरह आप लोगों को इस तरह से अपलोड कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है नेश करना है। इस तरह से कुछ लगा दिया आपने तो नेश कर दो। नेश करने के बाद यहाँ पर 2 मिनट की लोडिंग बताई जाएगी, देखते हैं तो लोडिंग हो ही जा रही है और जा रही है तो लोडिंग हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पर मॉडल आ चुका है और बोन जो है अच्छे लग चुके हैं, देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कुछ तो फिर यहाँ पर आपको अभी क्या करना होगा, इसी मॉडल का जो है आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे ठीक से, क्योंकि जो गर्दन है वो दूसरी तरफ जो है मोड़ के रखी है उसने। यहाँ पर जाओ सर्च में और टी सीधा टी दबा के सर्च कर देना। बाकी ये देख सकते हो गर्दन कैसे, तो इसको आप लोगों ने जो है ब्लेंडर में लेके गर्दन को सीधा करना होगा और दोबारा से अपलोड करना होगा वो पीछे बना के, तो फिर आपका जो है सीधी गर्दन आ जाएगी। बाकी टी सिर्फ और सिर्फ टी दबा के सर्च कर देना है तो फिर ये टी पोज में आ जाएगा, ठीक है। और इसी को डाउनलोड कर लेना है,
और इसकी पूछ जो सीधे कर देनी है अपनी गर्दन, तो इससे क्या होगा मॉडल जो है सही से आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये है सिंपल तरीका बोन लगाने का। अभी मैं पबजी का कैरेक्टर बताता हूँ एक है, बाकी आप लोग देख सकते हैं ये वेट जो है सही से नहीं लगाया था, तो भी इससे भी ब्लेंडर में जो है हम लोग ठीक कर सकते हैं। मैं अभी जो है पबजी का एक कैरेक्टर बताता हूँ आप करके, ठीक है। तो फिर मैं मम्मी शूट को जो है अपलोड कर देता है अपना, मम्मी जो पबजी का है, तो फिर उसको देख लेना आप लोग कि बोन किस तरह से लगेंगे उसके अंदर, क्योंकि वो वाला मॉडल जो है देखा जाए तो उस तरह की मॉडल होने चाहिए, ऐसा मिक्सामो का कहना है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो देख सकते हो साइट में भी इतना कुछ भी नहीं निकला हुआ, इस तरह का ही जो है मैश होना चाहिए ऐसा मिक्सामो का कहना है। यहाँ पर आप लोग फोटो भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो मॉडल जो है डिफरेंट डिफरेंट जो रहते हैं कपड़े वगैरह आउटफिट वगैरह, तो इस वजह से जो है ऑटोमेटिक वेट जो है सही से नहीं लग पाता और बोन भी सही से नहीं लग पाते, क्योंकि जो है मिक्सामो का रोबोट है वो समझ नहीं पाता कि हाथ कौन सा है और आउटफिट कौन सा है, तो उसमें ही कन्फ्यूज हो जाता है, तो इस वजह से वो अपलोड नहीं होता। बाकी ये हो जाएगा अपलोड, देख सकते हो 2 मिनट में। यह हो गया अपलोड, अभी अपन नेक्स्ट कर दो। यह आ गया टी पोज, यहाँ पर टी दबा के सीधा सर्च कर देना है आपको सर्च बॉक्स में, ठीक है। बाकी आप लोग देख जो सब कुछ सही है इसका, तो यहाँ पर टी सर्च कर देता हूँ मैं, तो टी पोज में एक जो है एनिमेशन आ जाएगी, तो उसी का अपने जो है आपके मॉडल के ऊपर लगाना है और इसको ये डाउनलोड कर लेना है आपने, तो टी पोज में जो है आपका मॉडल आ जाएगा बोन लगा के। और दूसरी बात कि आप लोग इसमें ओ पी जी अपलोड करो या फिर एक पी एक्स, आप लोग जब यहाँ से डाउनलोड करोगे तो एक पी एक्स फाइल ही डाउनलोड होती है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग ओ पी जी अपलोड कर रहे हो कि या फिर एक पी एक्स फाइल उसके अंदर नुकसान की, ठीक है। और उसी फाइल को मैं जो है दे लिया हूँ, देख सकते हो आ चुका है टी पोस्ट में। तो फिर यहाँ पर मैं एक बार जो है बोन दिखा देता हूँ किस तरह से लगे हैं, तो ये देख सकते हो बोन जो है बिल्कुल सही से लगे हुए हैं। तो इस के अंदर इतने सही से क्यों लगे हैं, क्योंकि ये जो है मम्मी सूट है और इसका आउटफिट एकदम सिंपल है बिल्कुल ही, तो इस पर से लगे हैं। जो आउटफिट जो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं उसमें जो है मिक्सामो का जो रोबोट है वो समझ नहीं पाता कि आउटफिट कौन सा है और पौड़ी कौन सी है, तो इस वजह से वो कैसे भी से लग जाता है ऑटोमेटिक वेट, तो उसी को सोल्व हम लोग कर सकते हैं ब्लेंडर में, लेकिन बहुत से बंदे को नहीं पता कि कैसे करना है। तो सिंपल जो है ट्रिक काम रहता है, आप लोगों को सिर्फ पेंट करके देखना पड़ता है कि वैल्यूज घटा के बढ़ा के, बस और कुछ नहीं। बाकी ये वाला मॉडल मैं अपलोड करके दिखाता हूँ, ये वाला मॉडल जो है अपलोड नहीं होगा और इस तरह की प्रॉब्लम आई तो क्या करना चाहिए। मैंने जो है अपने कौन सा मूनलाइट वाले वीडियो में बताया था, लेकिन
वो एक मॉडल वाली वीडियो थी तो ज़्यादा किसी ने देखा नहीं होगा, इसलिए इसको मैं जो बता रहा हूँ इसी में। और मैं यह भी बताऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते, बाकी आप लोग ये देख सकते तो मैंने सब कुछ लगा दिया, रेसिपी कर दिए, ये जो है अपलोड नहीं होगा देख सकते हो। तो इसको कैसे सोल्व करना है, ब्लेंडर में जाओ आप लोग, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए और वो सो पीछे फाइल को जो है इंपोर्ट कर लो पहले। तो फिर इसको इंपोर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो फिर आपको जो है अभी इसके पीछे जो दिख रहा है इसको कुछ भी बोल दो, हुरू ज़्यादा फर इसको सेलेक्ट करना है इस तरह का, अगर रहेगा ना फिर उसको हाइट कर देना। तो अभी ये जहाँ तक है एकदम नॉर्मल बन चुका है मॉडल आउटप्रिंट जो है, अभी जो है सही से दिखाई दे रहा है, मतलब ह्यूमन के जैसा। तो मिक्सनामो का जो रोबोट रहता है वो फाइंड कर लेगा कि कैरेक्टर जो है कैसा है और वेट भी लगा लेगा। तो इस तरह से मॉडल को जो है सेव कर लेना है बना के, अगर अपलोड नहीं हो रहा होगा तो। बाकी ये आपका ऐसा ही सिंपल रहेगा मॉडल, और फिर भी अपलोड नहीं हुआ तो फिर ब्लेंडर का यूज़ करके आप लोग टी पोत दे देना पहले, तो हो जाएगा। तो ये आप ये फाइल देख सकते हो, तो अभी सेव की थी अपलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपलोड हो रहा है और मैंने जो है लाइव स्ट्रीम की तरह जो है मैंने रिकॉर्ड किया था पहले ही इस वीडियो को, लेकिन उसमें वॉइस ओवर नहीं किया था तो उसको ऐसे ही रखा हुआ है अनलिस्टेड, इसको दोबारा मुझे जो है रिकॉर्ड करना पड़ा। तो ये देखते हैं, बाकी मैं जो सब कुछ लगा दिया हूँ, फिनिश कर देता हूँ। तो आप ही जो है ये वाला मॉडल जो है अपलोड हो जाएगा, तो फिर आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा जो फर्क आता है इससे, ठीक है। रही बात में जो मॉडल देता हूँ और रूम फाइल भी देता हूँ, रूम फाइल बिल्कुल डिफॉल्ट रहती है जिसके ऊपर कोई टेक्सचर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए रहते मैंने, तो उसका यूज़ कर लेना आपको अगर वो भी चाहिए। फिर एक वेक्स फाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अगर उससे भी सोल्व नहीं होता तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं वेट वगैरह सब कुछ सही से लग चुका है इस मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो आपको जो भी पोर्ट चाहिए या फिर जो भी एनिमेशन चाहिए वो पहले लगा लेना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपको जो है ब्लेंडर में ओपन करना है, इस वाले को डिलीट कर दो, या फिर मिक्स हो गया तो फिर ये आ गया। तो फिर अभी जो है इसको शो कर देना है, अभी जो है आपको एक काम करना होगा जो कि मैंने पबजी के जो रिमोट रहते हैं वो कैसे निकालना है उसके अंदर भी बताया हुआ है ये चीज़, मैंने तो ही करना है अभी इसके साथ भी। तो पहले बॉडी का जो पार्ट है उसको सेलेक्ट करो, बॉडी का मैक्स, और उसके बाद जो है सबसे पहले ये देखो इस तरह से कर लेना है अपने जो डिफॉल्ट हमारा रहता है कैरेक्टर खराब वैसे कर लेना है पहले,
इस बारे में मैंने शायद ज़्यादा अच्छे से अपने उस वीडियो में बताया हुआ है, इमोट्स कैसे निकालना है उसमें, तो अच्छे से उसको देख लेना। इसमें कुछ ना समझ में आए तो बाकी जो तो मैच जो है सेलेक्ट कर लिया मैंने पौड़ी का, और सीट दबा के जो है उस वाले पार्ट को ही सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हो। ठीक है, तो फिर अभी जाना है आपको वेट में, यहाँ पर वेट में गए, यहाँ पर क्लिक करना है, और ये तो इससे क्या होगा, वेट में जो है आपका लग चुका है। तो यहाँ पे जो है तो ये कर देना है, यहाँ पर फायदा हुआ देना सीधा, यहाँ पर नो बोन्स कुछ, और यहाँ पर जो है आपका काम हो चुका होगा ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन नहीं। अभी आपको जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एनिमेशन वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ से जो है आपको ये फोन जो है मिलेगा उसको सेलेक्ट कर लेना। तो फिर अभी जो है आपका काम हो चुका है, आप ये देखोगे तो फिर ये जो है लग चुका है वेट। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ ही मूव होगा, आप लोग क्या रखो किधर भी मूव करें। तो फिर आप ही जो है वेट का जो है कैसा रहता है वही ना, वेट का कुछ नहीं मतलब पेंट करना पड़ता है आपको कहाँ कहाँ पर क्या चाहिए। बाकी रही बात बोन की, तो किस बोन के साथ जो है मो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोन के नाम जो है लिख के आते हैं यहाँ पर, ठीक है, वो वेट दिखाया जाता है ये लगाया हुआ है। तो फिर मैं जो है अभी जो है नाम शो कर देता हूँ अपने बॉन्स का, जिससे कि आसानी होगी देखने में कि किस फोन के साथ कौन सा है। बाकी आप लोग ऐसे कर सकते हो, मतलब कि अगर हाथ के साथ आपका जो है क्या बोलो जा रहा है ये, ठीक है, मैश जो कि जाना नहीं चाहिए, तो फिर आप लोग उसको पेंट कर दो। इतना सब देखना, सिंपल भाषा में बोलूँ तो पेंट करके देखना है आपका जो मैच है कैसे जा रहा है, आपको कैसे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ये। इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा जो है टाइम आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल ही सही से करना होगा तो इसको, बाकी मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। अगर आपको एकदम प्रॉपर्टी चाहिए मोबाइल तो फिर आपको जो है इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, और खुद से जो है मुंह बोन को मुंह करा के भी देखना पड़ेगा आपको। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि हाथ के साथ जो है कौन से हाथ के साथ जो है वो मुंह हो चुका है वापस, तो वापस मुझे जो है मुंह नहीं कराना। तो ये बस इसी तरह से आप लोग कर सकते हो, बाकी आप लोग देख सकते हो मैंने कैसे किया। ठीक है, तो फिर इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता और ना ही पता करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो है एनिमेशन तो बनाता नहीं। ठीक है, बस ज़्यादा कुछ मुझे इसके बारे में पता नहीं, जो नॉर्मल नहीं पता है वही दिखा दिया मैंने।
ठीक है, तो फिर इस तरह से जो है पेंट करना है आपको। रही बात इसकी तो एक्सरे वजन को जो ऑन कर देना है, इससे आसानी होगी आपको देखने में भी और पेंट करने में भी। देख सकते हो कुछ इस तरह से हो चुका है, आप ये देख सकते हो। जितना वेट लगाया हुआ उसके ऊपर उसी के साथ जो है मोड़
यहाँ पर देख सकते हैं सही से जो कि मो रहा है सब कुछ। तो बस इसी तरह से आप लोग जो वेट के साथ कुछ भी करो, बाकी मैं बताता हूँ। एक बंदा बोल रहा था कि उसको ओबीजे फॉर्मेट में जो है कोई पोस्ट देना है और वो नहीं पोस्ट जो है दे नहीं पा रहा, ओबीजे फॉर्मेट जो सेव नहीं कर पा रहा उस पोस्ट में ऐसा। तो फिर मैं सबसे पहले जो है इसको अब इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मैंने जो इसका सोल्यूशन उसे बताया था लेकिन वो समझ नहीं पाया, तो फिर वही मैं बताता हूँ अभी। तो फिर ये देख सकते इसी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं पोस्ट दे के दिखाता हूँ, शेव करके पोस्ट रह दीजिए कि या फिर नहीं रह दीजिए, बाद में जो है बताऊँगा कि पोस्ट जो है कैसे हम लोग रख सकते हैं वो भी जरूर में। मान लो अगर हमें मूर्ति वगैरह की जैसे स्टैट पीछे फॉर्मेट को सेव करना होगा किसी भी पोज में, तो फिर कैसे कर सकते हैं किसी भी के साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पोज दे दी इसको, ठीक है, गर्दन थोड़ी घुमा दी क्योंकि आप लोग ये ना बोलो कि ये तो वही है डिफॉल्ट वाला, ठीक है। और यहाँ पर जाता हूँ मैं एम सेव करते हैं, देख सकते हो पीछे फॉर्मेट, बाकी यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसके फोल्डर में, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव किया तो फिर किस पोज में अभी सेव होगा देखना। इसको जो मैं यहाँ पर रख देता हूँ पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, इम्पोर्ट पे जाते हैं, ये देख सकता। तो फिर लिया मैंने इस मॉडल का कॉपी छेपर में, तो देख सकता यहाँ पर क्या हुआ टी पोस्ट में ही आ गया, ठीक है। तो फिर इसको कैसे सोल्व करना यही मैंने उसको बताया था लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। तो फिर अभी जो प्रैक्टिकली देख लो कैसे से कैसे करना। तो फिर मैं जो है उसी वाले को लेता, अभी देख सकते हैं पर मैं गया कॉस्मेटिक वाले फोल्डर में गया, उसी फाइल को लिया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर की फ्रेम देख सकते हो, ये जो है टी पोस्ट के जो की फ्रेम है, ठीक है। तो फिर इनको क्या करना है आप लोगों ने, इनको जो है सिंपली जो है डिलीट करना होगा, ठीक है। इन सारे जो की फ्रेम देख रहे हैं सेलेक्ट रहेंगे, उनको यहाँ पर जाके डिलीट कर दो। अभी जो है मैं पोस्ट पर में जाके देखता हूँ किसी पर की जो है की फ्रेम रह तो नहीं गई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो की फ्रेम नहीं दिख रही किसी भी फोन की। तो आप ही जो है मैं दोबारा से पोस्ट देता हूँ कोई सी और फिर देखते हैं उसी पोस्ट में रहता है या फिर नहीं मैच जो है या फिर खेलो या मॉडल, ठीक है।
गर्दन नहीं सही से दिख रही है, इसको भी फिक्स कर लेता हूँ मैं। इस तरह से मुझे अच्छा दिख रहा है कुछ। तो यार अभी जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिर देखते हैं वैसे रहता है या फिर नहीं। ये गया वो पीछे फॉर्मेट सेव पे, और मैं इसको टू दे नाम चेंज कर देता हूँ थोड़ा और सेव कर लेता हूँ। कर लिया सेव, ठीक है। अब जो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ऐसे। अभी जो सेव किया था उसको इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं उसे पोस्ट में या फिर नहीं। तो भी देख सकते हो उसी पोज में जो कि है या पर, ठीक है। तो फिर यही मैं बता रहा था, वो समझ ही नहीं रहा शायद, इस समझ जाए कि छोड़ो। अब आगे बढ़ते हैं और कौन चीज़ें उसी बंदे को जो और एक प्रॉब्लम आ रही थी एक मॉडल में, तो उस मॉडल का भी मैं दिखा देता हूँ। मेरे में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उस मॉडल को लेके जो कि ये वाला है, ठीक है। ये मैंने अपलोड कर लिया, देख सकते इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो कि दिख नहीं रही है। अपन फिर बात करेगा, ठीक है। बाकी मैं इसका जो डिफॉल्ट जो मैंने दिया हुआ है वो पीछे फॉर्मेट, उसको भी अपलोड करके दिखाऊंगा। मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम जो है दिखाई नहीं दी। बाकी जो है मैंने बता दिया है कि वेट जो है कैसे जो करना है, वेट देख लेना। बाकी रही बात वेट के बारे में, कोई भी जो है वीडियो ज़्यादा मिलेगी नहीं या इस वजह करना पड़ता, क्योंकि जो है पूरा ट्रिक ही काम रहता है अपने ऊपर ही, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको बस ये देखना है घटाकर बढ़ाकर, अगर घटाने से कहा जा रहा है वेट जो है किस तरह से काम कर रहा है बढ़ाकर, बस इस तरह से ही आप लोग पता कर सकते हैं। तो भी अपना थोड़ा टाइम दे देना और जो है देख लेना। बाकी जो है मैं जो है एंड्रॉयड यूजर के लिए जो है एंड्रॉयड यूजर नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनके लिए जो अलग से बनाता हूँ एपेक्स फाइल, जो कि मैं कॉस्मेटिक वाले फोल्डर में देता हूँ, क्योंकि एंड्रॉयड यूजर जो है वेट नहीं कर सकते कम या फिर ज़्यादा। तो फिर उसी को जो है मैं थोड़ा सही करके देता हूँ। बाकी जो भी पीसी यूज़र है वो पूरा सही कर सकते हैं खुद से, और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने सब कुछ बता दिया मेरे मॉडल के बारे में। वो गलती मॉडल की नहीं रहती, आउटफिट की रहती है, क्योंकि जो है मिक्सामों का जो है रोबोट वो समझ नहीं पाता कि पौड़ी कंची है और कंसा जो है कौन सा पार्ट है, ऐसा वो समझ नहीं पाता, इसलिए बोन नहीं लगा पाता कभी भी, कभी वेट नहीं दे पाता। तो फिर बस यही बात है, चाहे तो इसके ऊपर आप लोग सर्च कर सकते, आपको पता चल जाएगा। तो फिर मॉडल में कोई ख़राबी नहीं रहती। बाकी मैं डिफॉल्ट भी देता हूँ रूम फाइल, तो उसका यूज कर लेना आपको अगर लगता है कि मेरा ओपीजे फॉर्मेट या फिर एक्सेस फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग खुद से बना के देख लेना फिर।
विदाउट बोन वो पीछे और मैं फोर्स में आ गया था। यहाँ पर देख सकते हो आप इमेज है, नया पेज ओपन कर लिया। और ये देख सकते हो बोन नहीं आया, लेकिन वो ही पोस्ट में जो है मॉडल आ चुका है, देख सकते हो। ठीक है, तो अगर मूर्ति वीर्ति की तरह आपको कोई किसी मॉडल को रखना है तो इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर कोई पोस्ट दे के फिर आपको उसका फोटो निकालना है तो ठीक है। बाकी मुझे पता है मैंने सही से कुछ भी बताया नहीं ठीक से, क्योंकि इसमें ठीक से बताने जैसा कुछ है ही नहीं, सब कुछ सिंपल है। वेट के बारे में जो है कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपको कैसा रखना चाहिए, क्योंकि हर पार्ट का जो अलग रहता है और हर एक मॉडल का अलग होता है, अलग तरह से काम करता है। तो यहाँ पर जो है मैं डिफॉल्ट जो पीछे मैं देता हूँ वही अपलोड कर रहा हूँ, देख लो ठीक है। लेकिन फिर भी जो है मिक्सन और सही से लगा लेता है वेट वगैरह, तुम्हारा क्यों नहीं कर पा रहा मुझे नहीं पता, बाकी मेरे में देख सकते हो तुम्हारे आंखों के सामने मैंने अपलोड किया जिस तरह से देता हूँ मैं मॉडल ठीक है। यहाँ पर आ चुका है देख सकते हो, सिंपल जो जिस पोस्ट में देता हूँ उसी पोस्ट में है। यहाँ पर मैं सब कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक चीज़ आप लोग अगर मिक्सर में अपलोड कर रहे हो तो आपका इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं से वो नहीं लग पाते सही से, तो आप मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है अच्छा हो ठीक है, क्योंकि कई बार मैंने खुद देखा है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नेट का कनेक्शन जो है अच्छा होना चाहिए। बाकी ये आप हो जाएगा अपलोड 2 मिनट में, देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। तो अभी बस ये देखना है कि वेट कैसा लगा, तो वेट देख सकते हो सही से लगा हुआ है, तुम्हारे में क्यों नहीं लगता है मुझे नहीं पता ठीक है। बाकी ये देख सकते हो मैं टी पोज भी लगा के दिखाता हूँ, देख सकते हो ठीक है। तुम्हारे में क्यों नहीं लगा मुझे नहीं पता। बाकी रही बात मेरे मॉडल के बारे में तो सब कुछ मैंने बता दिया होगा, आई होप मैंने सब कुछ बता दिया होगा। बाकी बस वीडियो बस इतना ही था।